नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। दरभंगा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जनताओं से सतर्क और सक्रिय रहने की अपील। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, करेह नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उन्होंने बताया कि वे खुद विगत एक सप्ताह से लगातार पूरी टीम के साथ वाटरवेज बांध की निगरानी कर रहे हैं। वाटरवेज बांध का निगरानी एसडीओ मनोज कुमार सहित अधिकारी कर रहे हैं। वाटरवेज बांध की स्थिति काफी दयनीय है, जिससे किसी भी जगह कोई बड़ी घटना हो सकती है। अगर करेह नदी दुर्भाग्यवश टूटती है तो बड़े पैमाने पर क्षेत्र के जनताओं को हानि पहुंचेगी और लगभग दर्जनों गांव परकोलिया, चिगड़ी, सिम्हारा, अकोनमा, घोड़दौड़ सहित कई गांव अधिक प्रभावित होंगे। दरभंगा एनएसयूआई प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। प्रशासनिक व्यवस्था को सहयोग करने में इसलिए पूरे रात दिन टीम सहित परकोलिया, चिगड़ी सहित गांव के लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इधर मीडिया प्रभारी कालीचरण यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, वाटरवेज बांध को बाढ़ से पूर्व कोई मरम्मती कार्य नहीं किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी पर पीड़ितों की सहायता राशि गमन करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए तथा उचित कार्रवाई करने की मांग की। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। ताकि बांध को जो है तो किसी प्रकार की टूटे नहीं और यहाँ के जो जनता दहशत में दिन रात जी रहे हैं उससे कम से कम वंचित हो जाए, ऐसे एसडीओ साहब से हमारी बात हुई थी, जेई साहब से बात हुई थी और विभिन्न प्रकार के आदेश ठेकेदार को दे चुका है। अब ये देखना है कि ठेकेदार कितने प्रतिशत उतरता है जनताओं को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अभी काम चल रहा है, लोगों जो बड़े पैमाने पे काम होना चाहिए था, यहाँ पे बांस बल्ला को लगा करके जो आदेश दिया है वो होना चाहिए था, अभी तक तो नहीं लगा। लेकिन ठेकेदार से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि कल से इस पे काम करेंगे। हम बस यही अब चाहते हैं, यहाँ से हम आह्वान भी करते हैं यहाँ के जनताओं को, सतर्क रहे और सक्रिय रहे और अपना अपना भी योगदान दे ताकि इस बांध को सुरक्षा हम लोग रख सकते हैं। रखने के बाद हम लोगों को जीवन जो असुरक्षित महसूस हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। इसी बात को लेकर के आज हम लोग मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मीडियाओं के माध्यम से यहाँ के जनताओं को आह्वान करते हैं, सतर्क रहें, अलर्ट रहें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से लड़ने के लिए, जूझने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। त्रिभुवन कुमार, एनएसयूआई। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।